कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए परिवहन सेवाओं में भी नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है, जिसके तहत एचआरटीसी विभाग के अलावा निजी बस सेवा, टैक्सी ऑपरेटरों की गाड़ियों पर भी नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर चिपकाए गए हैं। साथ ही अगर किसी सवारी ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया होगा तो ऐसे में बस या टैक्सी में सवारी को नहीं बिठाया जाएगा। एचआरटीसी हमीरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल के अनुसार 450 स्टिकर नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर को एचआरटीसी की बसों के अलावा निजी बसों में और टैक्सियों में भी लगाया जा रहा है, ताकि कोविड बीमारी से बचाव के बढ़ते संक्रमण से बचा जा सके। क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी विवेक लखनपाल ने बताया कि बसों में नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर को लगाया जा रहा है, जिससे कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता आए। उन्होंने बताया कि बसों के अलावा कार्यालय के अंदर, बाहर के अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी स्टिकरों को चिपकाया जा रहा है और बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हाँ, कोविड-19 के जो आज की डेट में दोबारा से फैलने लगा है, तो उसी संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई है प्रशासन के द्वारा, जिसमें स्टिकर के अंदर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। हर बस में दो दो तीन तीन जगहों पर ये स्टिकर पेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे लोग इनको पढ़ें और उनके में जागरूकता आए। और मेन एम ये है इसमें कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो उसको वो सर्विस नहीं दी जाएगी। सर्विस देने का मतलब है जैसे कि वो बस में बैठ रहा है तो यहाँ तक भी है कि उसको बस से उतार दिया जाए और उसको बोला जाए कि मास्क लगाइए। तो इसी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए ये जो है स्टिकर लगाया जाए। हमीरपुर ज़िले में इसमें हमारे पास 450 स्टिकर जो आए हुए हैं और हमने लगभग 400 स्टिकर लगा दिए हैं। इसमें 50 कर बचे हैं, उनको भी अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं। बसों में ही नहीं, हर जगह लगा रहे हैं हम, बस स्टैंड पे भी, दफ्तरों में भी लगा रहे हैं इनको, जहाँ जहाँ भी पब्लिक के जो आती और जाती है। ये महामारी जैसे जैसे अब दोबारा से फैलने लगी है तो उसी को ध्यानार्थ रखते हुए हमने बसों को सैनिटाइज कर रहे हैं रेगुलरली, और दिन में दो दो बार भी बसों को सैनिटाइज कर रहे हैं जो रूट्स पे जा रही हैं। और इसी तरह बस स्टैंड को भी पूरे को दिन में दो बार जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और जा रहे हैं तो स्पीकर के माध्यम से भी बस स्टैंड पे जो है अनाउंसमेंट की जा रही है कि उचित दूरी बनाए रखें और अपना सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के रखें। और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी जो है 3-4 टाइप की जो है क्लिपिंग्स बनाई हुई हैं, जिनको लगभग 24 घंटे जो बस स्टैंड पे चलाया जा रहा है। एचआरटीसी के चालक ने बताया कि कोविड की बीमारी फैलती जा रही है, इसलिए बसों में भी नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर लगाए गए हैं, जिसके तहत जिस सवारी ने मास्क नहीं पहना होता है उसे बस में नहीं बिठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल है, जिससे कोरोना बीमारी से बचाव किया जा सकेगा। ऐसा है कि कोविड-19 के चलते हुए जो है वो जैसे ये महामारी जो है बड़ी तेजी से फैल रही है, तो जो भी दिशा निर्देश है सरकार के या स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश जो हैं वो फॉलो करना चाहिए जी। और जैसे हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, इसमें खुद भी मास्क लगा के और जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको भी अवगत करवाना है कि मास्क का जो है इस्तेमाल करें, जिससे हम ये कोरोना वायरस महामारी जो है इससे बच सकते हैं। तो सरकार की एक ऐसी पहल है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है जी। सरकार की जो सरकार ने जो ये मुहिम चलाई हुई है वो अति सराहनीय है। लोगों के बचाव के लिए सभी सुरक्षित रहें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उनको जो है फॉलो करें। धन्यवाद। चालक ने बताया कि बिना मास्क के गाड़ी में किसी भी यात्री को नहीं बिठाया जा रहा है और नो मास्क नो सर्विस की पहल बहुत बढ़िया है, क्योंकि एचआरटीसी की बसों में लोग ज्यादा सफर करते हैं, इसलिए लोगों को भी बिना मास्क के बस में नहीं बैठना चाहिए। हमारे को अपने आप सेफ रहें, मास्क लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें, और जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठे उन हमारा उद्देश्य है कि उन सबको हम मास्क लगाने के लिए कहें, और बिना मास्क कोई भी पैसेंजर यात्री जो है वो बस में सफर ना करें। अच्छी पहल है हमारी सरकार की, जो हमारे को इस घातक बीमारी से बचने के उपाय बता रही है और सबको मास्क लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं। हमारी एचआरटीसी में भी सबको यही संदेश दे रहे हैं कि बिना मास्क से ड्यूटी पर ना आए।
बता दें कि जिला हमीरपुर में अब तक 3662 कोविड के मामले आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव केस 326 मामले हैं, जिसमें 3282 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, तो कोविड की वजह से 53 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं आजकल हर दिन 30 से 40 मामले रोजाना कोविड के आने से जिला प्रशासन ने कमर कसते हुए कोविड के खिलाफ जंग को और तेज कर दिया है। नो मास्क नो सर्विस के स्टिकरों के माध्यम से भी जिला हमीरपुर में बढ़ रहे कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए मुहिम शुरू हुई है, जिसके तहत वाहनों के अंदर और बाहर स्टिकर लगाए गए हैं। वहीं बसों में लगाए गए स्टिकरों के बाद लोगों द्वारा मास्क लगाकर ही सफर किया जा रहा है और कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है।